हो सकता है कि आपको पुराना पीडीएफ ना मिले, तो आपको एक जरूर होगा। जैसे नया नया ग्रुप में आप ऐड हुए तो पीडीएफ नहीं होगा पुराना वाला, तो आप एक व्हाट्सएप नंबर ले लो। क्लास के बाद इस पर लिख देना पीडीएफ, सारा पीडीएफ आपको चला जाएगा, आप लिख लीजिएगा, समझा देंगे। देखो पहले ग्रुप में भी ऐड हो जाना, ये नहीं कि सिर्फ इसी पे, इस पे सिर्फ यही जाएगा। अगर ग्रुप में नए ऐड हुए हैं तो पुराना फाइल नहीं मिले, तो आपको नया जितना सारा फाइल है सब भेज देंगे, लिख लीजिएगा, हम समझा देंगे। लेकिन लिखने का प्रोसेस कल तक कर लीजिएगा, बुधवार को हम समझा देंगे सबको, एक क्लास दो क्लास जो भी है। होगा ही बहुत लोगों के पास, कुछ लोग नए तो लिख लिए, सिर्फ पीडीएफ के लिए ओनली फॉर पीडीएफ। कॉल ना करे, हाय हाय ना लिखे, ना हेलो लिखे, सिर्फ पीडीएफ लिखे। चले अब गर्मी लगे ठंडा लगे तो बंद कर लेना, हमको डिस्टर्ब मत करना। शांत हो जाए, बहुत जरूरी का क्लास आज का, बहुत जरूरी, एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, तब यहां से आप लीड करोगे चैप्टर को, है ना। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, है ना, क्लियर। चलिए ये हफ्ते में ही, आज क्या है मंडे है ना, तीन क्लास होगा वॉल्यूम टू का, धड़धड़ा देंगे हम लोग। चले जी भरिए इसमें पानी, आज ब्लू है पानी, पानी आज ब्लू है, पानी पानी आज ब्लू है, क्लियर। ऊपर एयर होगा तो एयर का प्रेशर होगा, है ना, तो एयर का प्रेशर बोलो, एयर का प्रेशर कितना, ऊपर के नीचे, एयर का प्रेशर ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, ना ऊपर ना नीचे, प्रेशर स्केलर है। एयर का प्रेशर के कारण जो फोर्स है वो नीचे होगा, प्रेशर तो सिर्फ पी नोट लगेगा, तुरंत फंस जाओगे, बोलता तुरंत बोल दिया नीचे, एरो नीचे है तो नीचे, वाह। प्रेशर का डायरेक्शन थोड़ी एक दो नीचे बोल देगा, बोलो मत यहां मुंह लाल कर देंगे फिर। एयर का प्रेशर नीचे के ऊपर, अभी कंफ्यूजन है रे, ना नीचे ना, एयर का प्रेशर है, एयर के प्रेशर के कारण फोर्स जो लगेगा वो नीचे होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो याद रखिएगा, बोलेंगे तो ध्यान देना, बोलो एयर का प्रेशर पी नॉट, हाँ एयर के कारण, एयर के जो फोर्स होगा वो नीचे, कितना पी नॉट की पी नॉट है, क्योंकि प्रेशर फोर्स का एरिया, प्रेशर तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। और बोलो इधर उधर वाला, हम लोग फ्लोर को कितने भाग में बांटे थे, मुझे आज बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी सिर्फ सिर्फ पढ़ाई में, फालतू बतियान में नहीं। फ्लूइड दो भागों में बटा था, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, और एकदम चारों तरफ से आवाज आना चाहिए, मुंह बंद रहना नहीं चाहिए। हाइड्रोडायनेमिक्स, बहता हुआ पानी को क्या बोलेंगे, ये कब पढ़ेंगे, आगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, रुका हुआ पानी, क्या पढ़ रहे हैं, अभी कंटेनर भी रुका हुआ है और पानी, तो इसका मतलब है कि चारों तरफ का फोर्स बराबर होगा, बैलेंस होगा, ऊपर बराबर, दाएं बराबर, है ना। तो ऊपर वाला फोर्स हो गया एयर का, ऊपर वाला फोर्स हो गया, और एक लिक्विड के वेट के कारण एम जी, धरती मैया की लिक्विड के वेट के कारण एम जी, है ना। तो बोलो एम जी, mg हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे इस चैप्टर में, मास से ज्यादा डेंसिटी यूज होगा। तो बोलो डेंसिटी क्या था, मास बाय वॉल्यूम, आवाज दो, फिर से समझा दे रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन है, पिछले क्लास में जो पढ़ा उसमें पूरा भरपूर क्वेश्चन, इसलिए एक बार समझा देते हैं। डेंसिटी बराबर मास बाय, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू मान, इसका बेस एरिया ए है, बेस एरिया और पानी एच हाइट तक भरा हुआ है, पानी बेस एरिया ए है और पानी एच हाइट तक भरा हुआ है, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रन ऑन दो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए एच, कितना एरिया है, कहां तक भरा हुआ है, तो एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, हो या ना। तो मास की जगह क्या लिख देंगे,
रो ए एच है ना, बोलो ना, या रो एच जी, रो एच जी ए, सही तो है। अरे एम के जगह रो ए एच, रो ए एच जी, एम जी है ना, तो एम के जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, रो ए, अरे कोई आगे पीछे लोगो उसे क्या दिक्कत, बोलो। तो बॉटम पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक लिक्विड का वेट, एक श्योर और एक एयर के प्रेशर के कारण फोर्स। अच्छा ये बताओ, ये फोर्स यहीं रहेगा या यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। जैसे बेइंग मशीन पे हम लोग खड़े होते हैं, मान लो मेरा मास है 50, तो वहां 5,500 होता है, और कोई चीज माथा पे रख लिए तो हम बढ़ गए कि बेइंग मशीन का वजन वो नापने लगा ज्यादा, कॉपी लाओ, हम बढ़ गए तो मजा आ जाएगा यार। मैं शुरू से सोचता हूँ मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं, लेकिन मैं मोटा नहीं हो पाता हूँ, है ना। तो बोल लीजिए मान 2 kg, तो 2 kg बढ़ गए। बेइंग मशीन पहले कितना माप रहा था, 50, अब 2 kg रखे तो 52। 2 kg कहाँ ट्रांसफर हुआ, मेरे में कि वहाँ ट्रांसफर हो गया, कहेगा वहाँ कहाँ, वहाँ तो जमीन है, अरे नीचे बेइंग मशीन है, बोलो ना। मेरे में ट्रांसफर होता तो मजा आ जाता ना, बिना खेले पीले मोटा आ जाते, बोलो बिना खेले पीले, तो मेरे पे ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे बढ़ाते जाएंगे नीचे ट्रांसफर होते जाएगा, है ना। एक और कॉपी लो, लावा हो राजा। अब बोल, मान लो 10 kg रखे, सब में ट्रांसफर होगा नीचे, तो बोलो ये फोर्स यहाँ लगा तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वो अपने नीचे वाला को लगाएगा, नीचे वाला अपने नीचे वाला को, नीचे वाला अपने नीचे वाला को, नीचे 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 नीचे। बोलो प्रेशर कितना है बॉटम पे, 2 प्रेशर है, यानी 2 प्रेशर के कारण फोर्स है। पहला लिक्विड के एयर के प्रेशर के कारण फोर्स, और लिक्विड के वेट के कारण, हाँ या ना, क्लियर। तो बोलो इस दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, क्या कंटेनर रेस्ट में है, क्या पानी रेस्ट में है, टोटल फोर्स बैलेंस होगा, दाएं बराबर, ऊपर बराबर, तिरछा बराबर, तो इधर वाला कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ वाला पानी को दीवार वाला भट भागले कि नहीं भागले, यहाँ से भट, ये दीवार का नॉर्मल इधर होगा, ये दीवार का नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल बैलेंस हो गया, है ना। और बोलो दाएं बराबर, दाएं बराबर, दाएं बराबर, दाएं बराबर, ऊपर बराबर, नीचे एक 2 लग रहा है, ये एयर का फोर्स और ये लिक्विड का फोर्स, बोलो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कौन करेगा, दाएं बराबर बाएं हो गया, दाएं बराबर बाएं हो गया, क्योंकि इधर का नॉर्मल इधर वाले नॉर्मल को काट दिया, बोलो ना, इधर वाला दीवार का नॉर्मल दाएं, इधर वाला दीवार का नॉर्मल, चलो दाएं बाएं कर गया, ऊपर नीचे कैसे होगा, ऊपर नीचे, ये एयर का फोर्स नीचे, ये लिक्विड का वेट, वेट माने फोर्स नीचे, ये दोनों को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है नॉर्मल ड्यू टू फोर्स, नॉर्मल ड्यू टू बेस, है ना। यानी नीचे जो बॉटम है, बॉटम भी तो नॉर्मल लगाएगा, बोलो एनवी, एनवी कितना है, बोलो ये तो ये दोनों को बराबर हो गया, ऊपर बराबर, तो बोलो एनवी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस रो जी एच ए, है ना। तो एयर का फोर्स और लिक्विड के वेट को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल बॉटम से, नॉर्मल बेस से बैलेंस कर रहा है, तो प्रेशर एट द बॉटम क्या हो जाएगा, फोर्स एरिया, टोटल फोर्स कितना है, पी नॉट ए प्लस रो जी एच ए, और नीचे ए, ए कॉमन लेके काट देंगे तो प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू एयर एज वेल एज वेट। पी नॉट किसके कारण, पी नॉट किसके कारण, और रो जी एच वेट के कारण। इट इज द टोटल प्रेशर, नेट प्रेशर, एवरेज प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू एयर एज वेल एज लिक्विड, यानी वेट ऑफ द लिक्विड। और चूंकि पिछले क्लास में बताएं कि पी नॉट से हमें कोई झंझट नहीं है,
ये तब होगा, ये फॉर्मूला तब संभव है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि नीचे वाला जो सरफेस है वो जमीन से एकदम कांटेक्ट में, एकदम सटा हुआ, नीचे कोई एयर नहीं है। ये तब लेके हम चलेंगे जब ये वाला सरफेस जमीन में एकदम सटा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, नीचे कोई एयर नहीं है, तब ये होगा। लेकिन सिर्फ रखा हुआ है किसी सरफेस पे तो ऊपर एयर होगा, तो इसका मतलब है कि एयर वाला फोर्स है पी नॉट ए, ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर भी होगा, तो नीचे वाला एयर का फोर्स ऊपर वाले एयर का फोर्स काट देगा एकदम। तो जब ये हट जाएगा तो क्या बचेगा? तो याद रखिएगा किसी भी कंटेनर के बेस पर जो प्रेशर होगा उस लिक्विड के द्वारा वो दो प्रकार से लिखा जाता है। एक आप सिंपली रोजीएच लिखिए, रोजीएच मतलब लिक्विड का वेट के कारण जो प्रेशर है, और रोजीएच लिखने का एक ही मतलब है कि हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि ऊपर वाला एयर का फोर्स नीचे वाला एयर का फोर्स बैलेंस हो गया, कट के मर गया, जितना ऊपर से नीचे उतना नीचे से। और कहीं भी पी नॉट प्लस रोजीएच रहेगा, पी नॉट प्लस, तो ये समझेंगे कि एयर का फोर्स सिर्फ ऊपर है, नीचे नीचे एकदम सटा हुआ है। क्लियर? तो दोनों ध्यान रखिएगा, इसलिए हम नोट में लिखवा देते हैं, जो आए थे वो भी क्लियर कर लेंगे, जो नए आए थे उनका रिवीजन हो जाएगा। इसको एक जगह नोट करके लिखो, मैं एरो मार मार के लिख देता हूं। पर्वत बाबू, अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या समझे? पढ़ो, टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ड्यू टू एयर एन, और मान लो हम पी नॉट हटा देंगे और करके, आप बोलो क्या लिखें? आप बोलो लैंग्वेज क्या होगा? टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू वेट ऑफ द एयर, इसका मतलब है कि जितना एयर ऊपर उतना ही नीचे। कोई कंफ्यूजन? तो हम क्वेश्चन में कभी पी नॉट लिख दें, नहीं लिखे समझ जाना, उसे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? पी नॉट लिख देंगे, पी नॉट के रूप में रहेगा आंसर, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों में अंदर देख लो, ऊपर वाला में एयर लेके चले, नीचे वाला में एयर नेगलेक्ट करके चले। नेगलेक्ट तब करेंगे जितना ऊपर भी रहेगा उतना। जल्दी नोट बना के लिख लो एक जगह। ए, चूंकि पढ़ा चुके जल्दी लिखो, क्वेश्चन करवाना है, पता चला पिछले क्लास के चक्कर में हमारा आज का लूट गया, आज लूटने नहीं दूंगा मैं।
हो गया बाबू। चलिए तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हो गया ना? तो एक बात और देखो, फॉर्मूला में चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला देखो चाहे नीचे वाला, दोनों में यही अंतर क्या है, एयर लेके चल और यहाँ एयर लेके नहीं चल रहे, कहीं भी एरिया नहीं है फॉर्मूला में, मतलब प्रेशर को बेस एरिया से कोई मतलब नहीं है। आपका कंटेनर इतना बड़ा हो, इतना छोटा हो, और छोटा हो, और छोटा हो, प्रेशर सेम होगा अगर सारे कंटेनर में हाइट सेम हो। मालूम 25,000 आप कंटेनर खरीद के लाए मार्केट से, एक से एक सेट में लेके आए, लंबा चौड़ा छितरल चपटल एक से एक टेरिया है, लहरिया कट गिलास एक से एक गिलास लेके आए, और सब में हम 5 सेंटीमीटर तक पानी भरे या कोई लिक्विड भरे, कोई मतलब नहीं है कंटेनर के सेफ साइज से एरिया से, मतलब है आपने कितना हाइट तक उसमें लिक्विड या पानी भरा या कोई फ्लूइड भरा, प्रेशर सब में सेम होगा। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर एज वेल एज द बेस एरिया ऑफ द कंटेनर, बेस एरिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका बेस एरिया इतना बड़ा है पानी इतना रखो कोई प्रेशर नहीं है, बेस एरिया कम है पानी इतना रखो प्रेशर है, क्लियर? इसलिए हाइट का बहुत मतलब है, इसलिए पानी टंकी को बहुत ऊंचा लगाया जाता है कि अच्छा प्रेशर बने, तो जितना अच्छा प्रेशर होगा उतना अच्छा वेलोसिटी होगा, फूल से पानी निकलेगा, क्लियर? बात आ रही है समझ में? इसलिए नल आप घर में भी बनाते तो ऊपर के एकदम जमीन सटा के नल लगाते हो, एच जमीन से एच हाइट से जितना ऊपर रहेगा, बॉटम से जितना एच ऊपर रहेगा प्रेशर उतना अच्छा क्रिएट होगा, उस हिसाब से पानी का वेलोसिटी बनता है, इसलिए पानी टंकी ऊपर बनाया जाता है, क्लियर? और ऐसे बहुत सारे प्रूफ आने वाले हैं। तो प्रेशर इंडिपेंडेंट है शेप और साइज से और बेस एरिया से। चलिए पानी है छठ तक भरा हुआ है, पानी 3 पॉइंट ए बी सी, कौन ऑप्शन सही होगा बताना? पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर रोजी एच। अब सिर्फ रोजी एच लिख रहे इसके मतलब है कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एयर ऊपर भी एयर तो पी नोट नहीं लेंगे, अब पी नोट लिख देंगे तो ऊपर एयर है, पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी है ना, पी ए बराबर पी बी ग्रेटर देन पी सी
डी में नन, बोलो तीन पॉइंट है क्यों? हार्ट सेम से मतलब है या और भी कुछ हो सकता है? हार्ट तो सेम है, चलो और हार्ट के कारण आंसर सेम होगा या कुछ और वजह है? ठीक, अगर हार्ट के कारण बोल रहे हो तो मैं अगले अभी आराम से लिखना, रुको, हार्ट के कारण सेम है तो बताओ। आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी 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 पानी। आप बोलो एबीसी पे प्रेशर, ये एच हेड तक भरा हुआ पानी, अभी तो सब एच हेड का नहीं है, पानी एच हेड तक है लेकिन सरफेस से एच हेड थोड़ी है ये। यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका हार्ट अलग हो जाएगा, इसका हार्ट अलग हो जाएगा, इसका हार्ट अलग हो जाएगा, सी को अलग ले लो। पानी एच हार्ट तक बढ़ा हुआ है लेकिन ए पॉइंट का हार्ट अलग हो जाएगा, देखो एच डैश है। ये मान लो एच डबल डैश है, वो पानी ने एच हार्ट तक है, ए पॉइंट का हार्ट तो यही होगा, बोलो ये ना एच हार्ट तक है, ए पॉइंट यहां से कितना हार्ट पे, सी बी, तो हार्ट के कारण नहीं बोलेंगे इसे, रीजन क्या है सुनो ध्यान से। हम लोग अभी कौन फ्लू पढ़ रहे हैं? प्रेशर इसलिए सेम होगा हर पॉइंट पे क्योंकि ये सब सेम लेवल पे, सेम लेवल पे प्रेशर सेम इसलिए होगा कि पानी ना बहे, क्योंकि अगर अलग अलग होगा तो पानी बहने लगेगा, अब पानी बहने लगेगा तो ये हाइड्रोडायनेमिक्स हो जाएगा, इसलिए सेम लेवल पे जितने सारे पॉइंट होंगे सबका प्रेशर सेम होगा, इसलिए सेम होगा कि अगर सेम नहीं होगा तो पानी, क्योंकि हम अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या एबीसी सेम लेवल पे है? सेम लेवल पे सेम प्रेशर, ऐसा इसलिए जरूरी है कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बताओ। जैसे हीट का फ्लो होता है हाईर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, है ना, तो पानी का फ्लो होगा हाईर प्रेशर से लोअर प्रेशर, अगर प्रेशर डिफरेंस हो जाए तो पानी बहने लगेगा, जो कि अभी संभव। तुम्हारे बोतल के अंदर का पानी बहता है जी? है, बोतल में पानी तो देखो बहता है, तो क्यों स्टैटिक है? क्योंकि सेम लेवल पानी रेस्ट में नहीं होगा तो पानी, अब पानी बहने लगेगा तो सब फॉर्मूला फेल हो जाएगा, जो फॉर्मूला बहे पड़े हो ये तभी वैलिड है, इसे फॉर्मूला बॉटम पे या कहीं पे, जो पानी कहाँ हो बताओ, तुम्हारे बाल्टी में जो पानी रखा हुआ है घर पे बहता है ऐसे, रेस्ट में है ना, क्यों रेस्ट में है? एक ही लेवल पे रहने वाले सारे पॉइंट का प्रेशर सेम है, और सेम होना भी जरूरी है क्योंकि पानी स्टैटिक है, क्लियर? बताओ पानी यहां से यहां बहेगा कि नीचे से ऊपर बहेगा, हायर प्रेशर से? अब बताओ एबीसी पे प्रेशर डिफरेंस होगा तो पानी, सिंपल रीजन, हार्ट से कोई मतलब नहीं। हाँ, एच एच जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, वो अलग बात है ना, क्यों सेम होगा? सेम लेवल, सेम होना क्यों जरूरी है? नहीं होगा तो पानी अब बहता नहीं है, तुम्हारे बाल्टी का पानी बहता है क्या ऐसे, तुम्हारे बोतल का पानी बहता है क्या ऐसे, क्लियर? बात आ रही है समझ में? बहता है कोई कंटेनर का पानी ऐसे चलता है क्या? क्यों नहीं चलता है? क्योंकि सेम लेवल प्रेशर, बोतल में पानी देखे होने का भय ना, बोतल जाके भर लो पानी, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो बोलो ए बराबर बी बराबर बराबर, फिर से बोलो क्यों सेम है?
सेम का रीजन क्या बोलेंगे, हार्ट सेम है सबका या सेम लेवल में सब है? सेम लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सेम होना चाहिए। सेम इसलिए होना जरूरी है कि पानी बहे नहीं, क्योंकि बहेगा तो हाइड्रोडायनामिक्स हो जाएगा और हाइड्रोडायनामिक्स में फॉर्मूला वैलिड। वहां पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, वहां पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, वहां से एक चीज पढ़ेंगे। क्लियर? लिखिए, पहले लिखो फिर नोट लिखवाएंगे, 5-6 एग्जाम्पल के बाद नोट लिखवाएंगे जो भी बोल रहे हैं। पहले एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो, 5-6 एग्जाम्पल मस्त, उसके बाद नोट लिखवाएंगे जो बोले हैं। जल्दी लिखो, अरे मुंह बंद रखो ना यार, पिछले क्लास में पूछ पढ़ा दिए तभी बोल दो कि हार्ट के कारण से मैं, अब बतियाने में आगे रहते हो। मुंह तभी खोलो जब पूछा जाए, जब जवाब देना हो, जब उधर से बोलना हो, ऐसे लिखते हो बतियाते रहते हो। कितना दिन संस्कार सिखाए, क्लास में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, तुम्हारा ओ जितना बड़ा होना चाहिए प्रकाश सामने, बाप रखा हो भाई तुम लोग एकदम सीधे बोलना ही चाहिए, कैसे तुम प्रभाव दुनिया के सामने जमा पाओगे? सिर्फ बोलना शुरू कर देगा, प्रभाव हो जाएगा। कब बोलना है, कैसे बोलना है, बातों को कैसे रखना है, हमको बोर्ड पे लिखवाना पड़ेगा। यहाँ फिजिक्स के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, संस्कार भी सिखाया जाता है ना? श्योर? यहाँ अच्छा, हार्ड कहां से लेंगे, बॉटम से कि ओपन सरफेस से? ओपन सरफेस सब अच्छा पे है ना पॉइंट? क्या यहाँ पे सारे पॉइंट ओपन सरफेस से बराबर हाइट पे है? अरे बोलो, क्या यहाँ पे ओपन सरफेस से तीनों पॉइंट बराबर हाइट पे है? या सलेंडर है ना, तिरछा तिरछा कंटेनर है लहरिया कॉट। बोलो, इस वाले सरफेस से ये अलग हाइट पे है, ये पॉइंट अलग हाइट पे और ये पॉइंट, फिर भी ए बी सी पे प्रेशर। क्यों? प्रेशर सेम होना इसलिए जरूरी है कि पानी स्टैटिक है, फ्लूइड स्टैटिक है, लिक्विड स्टैटिक है। अगर सेम नहीं होगा तो पानी बहने लगेगा, जो कि संभव, क्योंकि बहेगा तो डायनामिक्स हो जाएगा। और डायनामिक्स में हम लोग नया नया चीज पढ़ेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम वहीं पढ़ाएंगे, वहीं बताएंगे हवाई जहाज कैसे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है। और हमारे नॉर्मल लाइफ में तुम्हारे बोतल का पानी, कंटेनर का पानी, बाल्टी का पानी रेस्ट में रहता है। मतलब किसी भी शेप और साइज का हो, कैसा भी हो, प्रेशर एट द सेम लेवल सेम रहेगा। क्लियर? बोलो ए बराबर बी। ए आज का क्लास आपके दिमाग में जाना चाहिए, न तो आगे दिक्कत होगा। क्यों सेम है जल्दी बोलो, अब बताओ। यहां तो तीनों पॉइंट सेम हाइट में था, हार्ट कहां से मापेंगे? ए मोबाइल फोड़ देंगे मोबाइल। तीनों पॉइंट सेम हाइट में था, कहां से हाइट लेंगे? कहां से? कंटेनर के ओपन सरफेस से। हाँ या ना? क्या यहां पे तीनों पॉइंट सेम हाइट में था? हाइट कहां से लेंगे? प्रेशर सेम है। यहां पे क्या तीनों पॉइंट ओपन सरफेस से बराबर हाइट पे है? नहीं है। यस सर बोल रहे हो, सलेंडर हाइट है ना, तिरछा से ये कहां पे है? अलग हाइट है ये, और ये सीधे एच पे है। ये तो
ओपन सरफेस से बताओ तीनों बराबर हाइट पे है ना, है ओपन सरफेस से तीनों बराबर हाइट पे ना है। ये तो यहाँ आ गया, यहाँ रहता है तब ना बराबर हाइट पे रहता है, ये तो यहाँ है, तो यहां से मापेंगे तो बताओ कितना हाइट होगा हमको, ना हाइट से मतलब है यहाँ पे, ना शेप से मतलब है, ना एरिया से मतलब है। क्या तीनों पॉइंट सेम लेवल पे है? yes, इतना तो समझ रहे हो, ए बी सी सेम लेवल पे है? yes, ये दोनों सेम लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, एक ही लेवल पे है ना। मतलब ये बेंच पे ऐसे बैठल है, वो ऐसे बैठल है, ये दोनों ऐसे नहीं बैठल है। लिखो अरे ये एच डबल डैश समझ में आया? तो यहां से तीनों पॉइंट है यहाँ पे, क्या अलग अलग पॉइंट है, तो यहां से मापेंगे तो अलग होगा, इसका हाइट अलग होगा, इसका हाइट अलग होगा, क्लियर? फिर भी प्रेशर सेम होगा क्योंकि तीनों सेम लेवल पे। क्या हुआ? प्रूफ तो कर ही दिया ना, रोज ये चाहे ना यार, दोबारा फॉर्मूला प्रूफ कर दिए। हाँ? तो नॉर्मल एक्स्ट्रा प्रेशर को बैलेंस कर लेता है, कंपोनेंट तोड़ोगे, नॉर्मल ऐसे थोड़ी है, नॉर्मल ऐसे लगेगा, नॉर्मल बैलेंस कर लेता है। जब पानी स्टैटिक है, जब रोजियस प्रूव कर दिए उसमें नॉर्मल ऐसे तैयार, नॉर्मल तिरछा हो जाएगा, तो भी तो उसका कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा। हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको दो पॉइंट मालूम होना चाहिए बस। पहला, प्रेशर को एरिया से मतलब है, शेप और साइज से मतलब है, प्रेशर कब सेम होगा, क्या देखेंगे कि सेम होगा, सारे पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सेम लेवल पे, एक ही लाइन पे होना चाहिए, तो प्रेशर सेम होगा। और होना भी जरूरी है यार, होना भी जरूरी है। कर दें, नॉर्मल का कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा सबको, इसलिए प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है। चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे यहां सब प्रूफ है ना, तिरछा होने से क्या होगा, कंपोनेंट तोड़ेंगे। बोलो तीनों को प्रेशर, बोलो क्यों, बस शेप देखना है, कंटेनर का शेप से मतलब है, साइज से, बेस एरिया से, पानी अच्छा हाइट तक है, तो पीए बराबर हमारे लोग कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा सेम आंसर, लेकिन यहाँ पी नॉट ऐड कर देगा, कोई दिक्कत पी नॉट ऐड कर देगा तो क्या समझोगे, एयर के कारण है, एयर अभी है कि नहीं है, है, लेकिन जितना ऊपर है उतना, इसलिए हम पी नॉट नहीं लिख रहे हैं, नीचे वाला खत्म करोगे तो पी नॉट ऐड हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखो, तरह तरह का क्वेश्चन आएगा अगला डीपीपी, आप डीपीपी बनाने में आपको मन लगेगा, क्योंकि पहला दिन आप थ्योरी पढ़े, दूसरा दिन भी थ्योरी पढ़े, फ्लूट का तीसरा क्लास है ना, तो आज से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो डीपीपी मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी करो ना, हो गया।
तो नसीब से मतलब है नसाय से, बस लेवल सेम होना। बोलो प्रेशर एट द बॉटम, लारिया गड है, बोलो बोलो बोलो, बॉटम में प्रेशर सीधे रह दिए ना, कैसा भी हो सीधा लम्हा तेरी है लहरिया कट को मतलब। अगर पानी अच्छा तक भरा हुआ है तो बॉटम में प्रेशर जा रो है, वाटर की डेंसिटी आया ना, रो क्या है जी, एक्सेलेशन टू ग्रेविटी और अच्छा हाइट। मान लो यहां पे एयर है तो पीनो डाइट कर देंगे, है ना। तो कैसा भी सेफ साइज रहे, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, क्लियर। एरिया से कोई मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी लिखो, चलो अब थोड़ा फील करो, और ये वाला डायग्राम क्लियर है, फील करो। ध्यान ध्यान देखो, चलिए शांत, बाहर क्या हो रहा कोई मतलब, यहां देखो ये बॉटम है, बॉटम है, तो मान लो ये बॉटम इस लिक्विड को संभाल रहा है, इसको कौन संभाल रहा है बताओ। लाइन हम ड्रॉ किए, इधर वाले लिक्विड इधर वाले लिक्विड को कौन संभाल रहा है। अभी थोड़ा देर पहले कोई बोला ना कि सर प्रूफ कीजिए, तो जब भी क्लास ये भगवान मेरे क्लास में होते इंतजार करो, उस समय के साथ अपने आप प्रूफ हो जाता है, मेरे क्लास में इंतजार किया करो। अच्छा एक आज तक बता देता है, ऐसा कभी हुआ कि मैं कोई चीज का प्रूफ ना दिया हो। ए सुनो ना, इसको कौन संभाल रहा है, ये बॉटम, इसको इसको कौन संभाल रहा है, ये यहां जो सतावन, इसका नॉर्मल ऐसे आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल ऐसे आएगा, और इसका नॉर्मल नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर के लॉन्ग है ना, बताओ कैसा शेप का है ये। बोलो ये बॉटम तो सिर्फ इस लिक्विड को संभाल रहा है, ये बॉटम किसको संभाल रहा है, इस दोनों को कौन संभाल रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल के नॉर्मल का कंपोनेंट, कंपोनेंट तेरा है ना, सीधा रहता तो नॉर्मल है, तेरा है तो क्लियर। इस लिक्विड के वेट को ये बॉटम संभाल रहा है, ये बॉटम का नॉर्मल। अजीब टाइम मुंह कर लेता है पागल ऐसा, ऐसा मुंह करते जैसे हम क्या चाइनीजे बोलने लगे। एयर बढ़ाओ, एयर बढ़ाओ यहां से, बोल दिया, बोल इसको कौन संभाल रहा है, बॉटम का नॉर्मल संभाल रहा है ना, इसको कौन संभालेंगे, नॉर्मल ऑफ द बेस,
है ना? सिमिलरली कौन लर्ली? कौन लर्ली? इस लिक्विड को कौन संभाल रहा है? इस नॉर्मल का, इस बेस का नॉर्मल है ना? इसको इसका नॉर्मल, इसको इसका नॉर्मल, तब जाके बैलेंस है, चुपचाप है, समझे मेरे राजा? नहीं आया? उजरका के दोनों उजरका के बीच में लिक्विड है, उसको ही संभाल रहा है। पियर का उजरका को कौन संभाल रहा है? ए, उजरका को कौन संभाल रहा है? पियर का, ये पियर का वाला है ना, इसके बेड को इसका नॉर्मल संभाल रहा है, तब तो पानी रेस्ट में। लेकिन ये दोनों को भी पियर का नया नॉर्मल ही संभाल रहा है, इसका नॉर्मल होगा इसे, ये दोनों का नॉर्मल होगा, ऐसे ऐसे बैलेंस करता है। समझ आई नहीं? रे तिरछा है ना, बोल इसका नॉर्मल। एगो बेस ऐसे है, दूगो ऐसे है, इसका नॉर्मल किसको संभाला? लिक्विड के बेड को। इधर जो छितराइल है, इसका नॉर्मल ऐसे ऐसे मारेगा, ऐसे मार के संभालेगा, क्लियर? क्योंकि ऐसे मारेगा तो उसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा। तिरछा है, कितने कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल काट के मर जाएगा, अब वर्टिकल बेड को संभाल लेगा। इसके नॉर्म, यहां वाला नॉर्मल बेड को संभालेगा, और इसका नॉर्मल ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल करके, अब वर्टिकल किसको संभालेगा? बाकी आपको कंपोनेंट तोड़ना आने, आपको कंपोनेंट नहीं आता है तो फिर पाप की हो पाप। सही है, सही है, सब सही है, बना लो स्टेप का। क्या मैं अपनी बात पहुंचा पाया? क्लियर है मेरा बात? हाँ है ना? चलिए एक और, क्या मेरा बात क्लियर है? लिखो नोट, नोट लिखो। ए क्लियर ना? अरे कंपोनेंटर वाला क्लियर है ना? और ये तो सब लोग पढ़िए, प्रेशर इज ऑलवेज ऑफ विच इज एट और बी कैन प्रेशर रिमेंस अलोंग हाइना। लिखो नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि ट्वेल्थ में जहां जहां पानी लिक्विड आएगा वहां ये सब फॉर्मूला आएगा। सीधे बोलेंगे बउआ फलाना चैप्टर का फलाना कॉपी देख के आओ, होगा तो पेज नंबर करके भी लिखो, पेज नंबर भी करके लिख लो अपने अपने कॉपी में। नहीं दिख रहा क्या? बड़ा कर दें, चार दें।
सेम लेवल पे जितने पॉइंट्स होंगे प्रेशर सेम होगा, और हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। और सेम होना इसलिए जरूरी है कि पानी नहीं बहे, क्योंकि बहेगा तो बहेगा तब जब प्रेशर अलग अलग होगा, इसलिए सेम होना जरूरी है। और सेम होता है सिर्फ बोलने से काम। अब देख लीजिए बाल्टी में पानी भर के, इधर बाल्टी पानी भर गया, बाल्टी फाड़ के निकल गया अपने आप। गर्म पानी आएगा फाड़ के निकल जाएगा, तो अलग केस हो गया ना। तुम टेम्परेचर बहुत, उसमें तुम आग का गोला रख दोगे तो बरक जाएगा, वो अलग केस हो। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन करें बनिया बनिया कॉन्सेप्ट का। नहीं सुधरेगा, तुम लोग नहीं सुधरोगे, डेली समझाना पड़ेगा, बात करोगे यहाँ। देखो ऐसा पढ़ाई से कोई मतलब नहीं कि क्लास में आए और दिमाग में अटवे नहीं किया, इसलिए शांत रहे, अपने फायदा के लिए पढ़ रहे हो। तुम फैमिली का तो फायदा होगा नहीं, सबसे पहले तुम्हारा फायदा होगा, इसलिए पढ़िए। कोई आंसर नहीं बोलोगे, कोई आंसर अगल बगल नहीं बोलोगे, अभी मैं पूछूंगा जिससे यही जवाब दोगे, और मुझे मालूम है कि मुझे किससे पूछना चाहिए। कोई अगल बगल नहीं बोलोगे, कोई अगल बगल आंसर नहीं बताओगे, अभी से जितना क्वेश्चन है अपना बड़ा बना के रखोगे। इसकी डेंसिटी है रो और ये L1 हाइट तक बढ़ा हुआ है, इसकी डेंसिटी है 2 रो और ये L2 हाइट तक बढ़ा हुआ है, मुझे बॉटम पे प्रेशर चाहिए। अगर अपना अपना झाप के बनाओ, कोई अगल बगल नहीं बताओगे, कोई बोलोगे भी नहीं आंसर, जो पूछेंगे जवाब दोगे। बॉटम ऑफ द कंटेनर पे मुझे चाहिए प्रेशर। हो गया,
इधर से कौन बताएगा? बना लिए, बनाइए आप बताइए, बना लिए को बनाया, उठ के बताओ, उठ के बताओ, बोलो रो कॉमन है। हाँ बैठो, और इधर से कोई बनाई, सेम है, और बताओ, तुम बताओ, बताइए सेम, तुम बताओ बाबू बनाया अभी तो, कब बनाओगे? 2 घंटे में। और कोई इधर से बना लिए, सेम है, आप बताइए, वैसे ही, वाह गजब आंसर है तो। हाँ बोलो, सेम क्या होता, उठ के बोलो। ऐसे नहीं, अब तो पता चला कि ऐसे नहीं, ऐसे मत कीजिए। ए आज शुरू में बताया ना, मान लो बेइंग मशीन वाला 50 माप रहा है, हम 5 kg कुछ भी जाकर लिए तो वहां 55 मापेगा। इसका मतलब है इस बॉटम पे जो प्रेशर होगा इसके कारण भी होगा, दोनों कारण ऐड होगा, इसका तो यहाँ ये है और इसका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, है ना? तो बॉटम पे प्रेशर हो जाएगा, ऊपर वाला के कारण क्या हो जाएगा, 2ρgL2 है ना, रो जी एच, तो रो के जगह 2ρg और एच के जगह L2 प्लस इसका रो जी, माने तो कॉमन ले लो, सिंपल, इसका तो प्रेशर यहां पे आई, इसका भी तो यहां ट्रांसफर होगा, होगा ना? जैसे बेइंग मशीन पे मेरा तो ट्रांसफर हो ही रहा है, और जितना भी ऊपर हम रखते जाएंगे सबका ट्रांसफर नीचे होता जाएगा, तो यहाँ पे जितना भी होगा ऐड कर दो, मान लो 3 लिक्विड दे दिए तो 3 का ऐड कर लो, 4 देंगे तो सारे का वेट यहाँ पे लिख के ऐड कर लो, है ना? वही प्रेशर होगा। अच्छा कहेंगे यहाँ पे P0 लगा देगा, कोई दिक्कत? आंसर तो यही होगा, प्लस P0 रहे चाहे उसे कोई दिक्कत, जल्दी लिखो। इसलिए क्लास में हर मूवमेंट पे नजर दिया करो कि हम इस क्वेश्चन को तो आते हुए समझा दिए थे कि नीचे सारा ट्रांसफर होते जाएगा, ट्रांसफर होते जाएगा, क्लियर? छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, हो गया? सब लोग तो क्वेश्चन बनाए हुए, आंसर लिख लीजिए, सिंपल, दोनों का प्रेशर यहां लिखो, ऐड कर दो, क्लियर? जल्दी बोलो आंसर, बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो, सबका यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा ना, सीधे लिख दो, बोलो 3 रो वाला का क्या हो जाएगा, 3ρgH1 डेंसिटी रो के जगह 3ρgH के जगह H1 प्लस 2ρgH2 प्लस ρg, अब जो माने कॉमन ले लो, इसका वैल्यू में देंगे तो बना लोगे, जैसे आप, अच्छा सुनो सुनो सुनो, जैसे वैल्यू में देंगे तो बना लोगे, सबका वैल्यू रहे लेकिन डेंसिटी का वैल्यू नहीं रहे, यहाँ पानी दे देगा तो पानी की जगह क्या लोगे, kg में 1000
डेंसिटी वाटर का 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मरकरी का 13600, अरे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है ना। मान लो इसमें पानी रहेगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, बना लोगे सॉल्व करके, पहले लिख लोगे, सबका वैल्यू रख लोगे, गुना भाग करोगे, कटने वाला कट जाएगा, मरने वाला बचने वाला खत्म। स्टाफ का भी बना लोगे। अब एक होता है यू ट्यूब सिप का, जिसको बोलते हैं यू लिम, दिखाते हैं। असाइनमेंट में डीबी में इसी सब क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा, तो लैंग्वेज से कभी घबराना नहीं है। क्लास में टाइम बचाने के लिए लैंग्वेज हम थोड़ा कम लिखते हैं। लैंग्वेज मतलब शादी का, कभी भी फिजिक्स में 1-2% ही लैंग्वेज आपको पढ़ने के लिए बेवस करता है। मैक्सिमम चैप्टर में लैंग्वेज बस ऐसे ही लिखा जाता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। जल्दी बोल दो क्या बना लो इस टाइप का। चलो नेक्स्ट, देखो इसमें इसको बोलते हैं यू, है ना, यू शेप लिम्ब या यू लिम्ब कहा जाता है। एक प्रकार का एक कंटेनर है, कोई भी शेप का है, कोई मतलब नहीं है। ये बॉटम से इसमें लिक्विड कितना हाइट तक है, इधर भी एल है, दोनों तरफ एल है, मतलब बॉटम से दोनों लिक्विड एल हाइट तक है। यहां स्टॉपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और इधर वाला डेंसिटी है 2 रो, इधर वाला डेंसिटी है रो, भारी कौन है बताओ, 2 रो, रो में भारी कौन होगा, 2 रो, 2 रो का मतलब ज्यादा डेंस, जितना ज्यादा रो उतना ज्यादा डेंस, जितना ज्यादा डेंस उतना ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा भारी, जितना डेंसिटी उतना डेंस उतना भारी, 3 रो तो और भारी हो जाएगा। बताओ स्टॉपर खोलेंगे तो क्या होगा, भारी इसको दबाएगा, और ये इमिसिबल लिक्विड है, अमिश्रणीय है, मिलेगा नहीं, सिर्फ दबा तो आगे निकल जाएगा। इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल, इसको जैसे ही हटाएंगे ये बड़ा जो जो जिसका डेंसिटी ज्यादा है, डेंस ज्यादा है, भारी ज्यादा, वो लिक्विड को दबा के ऊपर चल जाएगा। तो बताना है कि कितना नीचे आया और ये कितना ऊपर गया, मतलब एक्स मतलब कितना डिस्प्लेस कर गया ऊपर, ये फाइंड एक्स, मुझे एक्स चाहिए, एक्स मतलब ये नीचे आएगा, और जैसे ही इसको ओपन करेंगे ये नीचे आएगा, और ये कितना ऊपर जाएगा, वही एक्स निकालना, डिस्प्लेसमेंट। कोशिश करोगे, करो एक बता दे तब करोगे कोशिश, एक बता देते हैं, चलो बना बना डायग्राम बना, जल्दी बता देते हैं। साढ़े 12 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक, तुम निकल जाओ और इसके यहाँ के बाद से ना PDF लिख लेना, हम अगले दिन समझा देंगे इसको, थोड़ा अरेंज करते हैं टाइम का, क्योंकि बुधवार में ही बहुत बच्चों का क्लास रहता है, तो उस दिन में मुझे 12:30 छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप निकल जाए, कितना बजे स्टार्ट हो जाता है, 12:45, ठीक, निकलो। आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं, जाओ ग्रुप में ऐड करवा लेना, PDF लिख लेना, और अगला दिन थोड़ा पहले पहुंच जाना, समझा देंगे, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, क्योंकि बुधवार भी 12:30 मुझे छोड़ना होता है, तो थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम इसको।
मेरे से पहले कितने बच्चों का क्लास रहता है? 11 से पहले? हाँ, 11 से पहले क्लास रहता है, सही में रहता है। ठीक, तो अगले दिन हम थोड़ा क्या करेंगे, क्योंकि बुधवार को तुम लोग 12:30 छुड़वाते हो। ऐसा करेंगे ना कि सोमवार और बुधवार छोड़ देंगे 12:30, और फ्राइडे को थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे, 1.5 घंटा। हाँ, फ्राइडे को रहता है क्लास, तो 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 11:30 पढ़ेंगे डेली। कौन 1.5 घंटा ही मेन से पढ़िए, एकदम पहुंच जाएगा 11 बजे, तब पहुंचेगा 11:30 में ही होगा। हाँ हम, अरे सोमवार और बुधवार पढ़ लेंगे 1.5 घंटा, फ्राइडे को 1 बजे था, 1 बजे छोड़ देंगे फ्राइडे। तुम्हारा भी क्लास है, जाओ आज नहीं, अब अगले दिन से नियम लगाएंगे कि बउआ ये लिख लेना, अगले दिन से मंडे में भी 12:30 हम छोड़ देंगे। जा महाराजा जा, अच्छा से जाना, दाएं बाएं देख के। अच्छा, अरे तुम लोग सब कुछ, तुम लोग अच्छे से रहोगे तो सब बनिया होगा। चलो एक बनाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बनाइएगा, मुझे निकालना क्या बताओ, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ। ये वाला लिक्विड भारी और ये वाला, ये भारी और ये भारी और ये, जैसे ही खोलेंगे भारी छोटका को ऊपर ले जाएगा, बनाएंगे कैसे? अच्छा, ये मिश्रण मतलब और मिश्रण नहीं है, मिलेगा नहीं, मिलने वाला नहीं है, दूध पानी नहीं है कि मिल जाएगा। तुम्हारा भी क्लास है? चलो यहां देखो, ये मान लो आ गया एक्स नीचे, कितना नीचे आ गया, ये कितना ऊपर चला गया, मान लो हो गया ये एल माइनस एक्स, पहले एल था, कितना नीचे आ गया, तो ये एक्स नीचे आया तो एक्स आगे बढ़ा और एक्स ऊपर चला गया, है ना, तो ये वाला लिक्विड हो जाएगा एल प्लस एक्स पे, बोलो ना। ये एक्स नीचे तो एक्स, ये जितना नीचे उतना ये ऊपर है, ये जितना नीचे उतना आगे, फिर उतना, बताओ क्या कहीं भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा? दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट का नाम ए दे दो, एक पॉइंट का नाम, क्या ए और बी में प्रेशर सेम होगा? क्या दोनों सेम ही लेवल पे है? तो क्या करो, पहले ऐसा डायग्राम बना लो, जो भारी है उसको नीचे ले आओ एक्स, जो हल्का उसको एक्स ऊपर ले जाओ, उसके बाद कोई भी दो पॉइंट ले लो, कहीं भी दो पॉइंट ले लो, सेम लेवल पे होना चाहिए, और सेम लेवल ऑफ प्रेशर, तो बोलो पीए बराबर पीवी, पीए बराबर बन गया, बोलो ए पे प्रेशर क्या होगा, इसके कारण प्रेशर क्या होगा, बोलो इधर वाला का डेंसिटी इधर 2 रो, इधर वाला का डेंसिटी, बोलो इसका प्रेशर यहां पे डेंसिटी रो जी, और एच की जगह, हाँ है ना, आसान बहुत आसान, उधर वाले का प्रेशर बोलो बी पॉइंट पे 2 रो जी, और एच की जगह एल माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ है ना, क्या बना लेंगे ऐसे? Yes, क्या करेंगे, डायग्राम एक जो क्वेश्चन में रहेगा उसके बगल में डायग्राम बना लेंगे, भारी वाला को एक्स नीचे ले आओ, हल्का वाला को एक्स, और हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है, बस पॉइंट मान ले, और भी सॉल्व कर लो, तो रो से रो गया, जी से जी गया,
कितना होगा? इधर क्या बचा? L प्लस एक्स, इधर 2L माइनस 2X, ये माइनस इधर आगे प्लस, X प्लस 2X 3X, X बराबर L बाई 3 होगा नहीं? अरे L ऊपर जाके माइनस, तो 12 में चल गया L, इधर 3X बराबर L, यानी X बराबर L बाई 3, यानी ये कितना नीचे आया? L बाई 3, ये कितना ऊपर गया? बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में L का वैल्यू रखता 20 सेंटीमीटर तो आंसर क्या हो जाता? 20 बाई 3। लिखो, हो गया बउआ। अरे बउआ उठो उठो, एक्सप्लेन करो कैसे बना है। बैठो, बगल वाले को उठा, एक्सप्लेन करोगे? उसको उठा, उठो बाला। कहाँ था ध्यान, कहाँ था? आज तुम्हारे पापा को बुलाते हैं, तुम कितना ध्यान देते हो, तभी ना तुम मेरा बात नहीं सुनोगे तो घर पे तुमको मैसेज करवाएंगे। तुम कभी सोचा है कि तुम कितना पहले बनिया से अच्छा से पढ़ रहा था? तो अपना ग्राफ देखो, शुरू में बताओ कितना बनिया से तुम पढ़ता था। सब अपने जगह पे, पढ़ाई अपने जगह पे है, पढ़ाई कहीं से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझना, हमने अच्छे अच्छों को देखा है कि खराब दोस्ती में बिगड़ते हुए। बैठो, उठाओ उसको, उठाओ, समझाओ। कहाँ था? क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? बैठो, उठो, समझाओ। कैसे बना है जल्दी बताओ। ए, अपना अपना बारी दे ना, दूसरा के मुंह देखता है एकदम लास्ट में, अपना अपना बारी के इंतजार करो, देखता है ओकर मुंह कैसन है, वो कैसे बोलेगा, अजीब अजीब हालत सब है। गेट पे कोई जाएगा तो मुंह देखेगा, ओ एकर मुंह ऐसन है, अजीब हालत सब है। बोलो कैसे किए? बैठो, ए बउआ, ए बालक उठो, बनाओ। कैसे बना जल्दी बोलो, पट पटवा दो, इतना टाइम लेता है। बोलो कैसे बनाए? स्टॉपर कहाँ गया? स्टॉपर घुसू गया क्या से मैं? ए, अपना क्लियर है, वो तो बोलियो रहा है चट्टा कहीं का, अपना क्लियर नहीं हंस रहा है, हम हंसे तो हंसेगा अगला के, हम तो भर लिए हैं अंदर पूरा, तू भरो ना तो हंसना। सही बोल रहा है तुम, बैठो, बहुत अच्छा है, ये हिम्मत होना चाहिए बोलने का, अपने मन से कौन उठेगा, समझाओ। हाँ बहुत अच्छा, ये होना चाहिए,
तुमको ही मौका देंगे, टेंशन मत लो, बोलो। कैसे पता चला भारी है? टूरो से कहा लिखल है भारी, का अपना मन से कैसे समझेंगे? जितना ज्यादा रो उतना ज्यादा देश उतना भारी। हाँ नीचे पॉइंट कहाँ पे लेंगे? बॉटम, मतलब बॉटम पे लेंगे या कहीं और भी ले सकते हैं? कहीं और भी ले सकते हैं, लेवल हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, लेकिन किसी भी दो लाइन में प्रेशर सेम होगा। अब यहाँ करेंगे तो सेम नहीं होगा, मतलब सी और डी पे सेम होगा कि नहीं होगा? सी और डी पे सेम होगा कि नहीं होगा? किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम होगा। बैठो, उठो बाबा, बहुत अच्छा। सेम बात, प्रेशर सेम होगा, बराबर कर लें। बहुत अच्छा, बैठो। देखो, एक्सप्लेन करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ याद नहीं भी है ना, एक्सप्लेन है ना, तो बना बना के लिख लोगे। अब बोर्ड एग्जाम में व्याकरण नहीं देखा जाता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको देना है सिंपल। टूरो भारी है, स्टॉपर को जैसे ओपन करेंगे घुसुक जाएगा, भारी नीचे हल्का ऊपर, भारी जितना नीचे आएगा हल्का उतना ऊपर जाएगा, और किसी भी दो पॉइंट पर जो कि सेम लेवल है प्रेशर। चलो एक बना के दिखाओ सब लोग, ये सबसे बना चाहिए। इसको पढ़ाएंगे बैरोमीटर और मैनोमीटर। क्या पढ़ाएंगे? बैरोमीटर और आप बोला, अभी बहुत टाइम है। देखो ये अच्छे से पढ़े, एक दिन में मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, तब वॉल्यूम तो इधर उधर है। मैक्सिमम काम कीजिए एक दिन में। ए हर बात को ऑब्जर्व करो, यहाँ ओपन क्यों रखते हैं? कहीं कहीं बंद कर देगा तो, बंद कर देगा तो एयर ओपन है, मतलब एयर है वहां पे। और हम लोग एयर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जितना ऊपर एयर उतना ही लाल दिख रहा जी। तीनों लिक्विड एल हाइट तक भरा हुआ, ये भी एल, ये भी एल और ये भी, दो स्टॉपर लगा हुआ है। इधर वाला का डेंसिटी 3 रो, इसका 2 रो, इसका रो, सेम वही क्वेश्चन, दोनों स्टॉपर ओपन कर दिया गया, ये इधर घुस गया, ठीक है, हटा लो ना, स्टॉपर बनाने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत, हटा लिए तो मिलने वाला लिक्विड थोड़ी है और मिसलनी है, तो ये नीचे आ गया, ये तो तू स्टॉपर, अगले डायग्राम में स्टॉपर दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टॉपर को हटाइए नहीं तो उसको बनाना क्या है, इसको नीचे लाना, इसको आगे, इसको ऊपर ले जाना। आफ्टर हटिंग स्टॉपर फाइंड एक्स, जल्दी बनाओ। डायग्राम बनाओ अगला, ये दोनों स्टॉपर हटा देना, इसको एक्स नीचे लाना, ये एक्स आगे, ये एक्स ऊपर चल जाएगा। सब
सबसे पहले सोल्यूशन कर लो ना, फिर बनाते रहना। आंसर जल्दी दोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। किसी का आ गया तो बोलो। एगो रफ पेज या रफ कॉपी लाया कीजिए, पहले सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर बताइए, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आराम से लिखते रहना, फिर आराम से लिखते रहो। पीडीएफ भेज देते हैं घर पे, पीडीएफ मिला लिया करो। आया आंसर कितना? 12 by 5। सही बोल रहा है, 12 by 5 आएगा। आ गया, बहुत अच्छा। और उन लोग बनाए, बनाइए बनाइए। श्योर ना 12 by 5 आएगा? देखना बदलेगा तो समझ लेना, फिर बदलेगा तो समझ लेना, क्योंकि हमको क्वेश्चन देने आता है, आंसर कुछ भी हो सकता है। मैं किसी टॉपिक पे हजारों लाखों करोड़ों अरबों लिख सकता हूँ क्वेश्चन, आंसर तो कुछ भी हो सकता है। बनाओ, कोशिश करो। आ दोस्तवा के कहाँ रख दिया रे, सुता ले ही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, कितना बर्बाद हो जाएगा। तो बोलना दो, सर गुस्सा रहे हैं। डेली क्लास हो गया तो 3 दिन का आता है। कल आपके कौन, आज एमडब्ल्यूएम वाले में हो कि टीटीएस वाले में हो? एक तो ये हो गया वॉल्यूम 2, और कौन बैच में हो, टीटीएस में कि एमडब्ल्यूएम? कल उसको लेके आना, जाएंगे, कुछ जरूर चक्कर है। हम गार्जियन ना है जी, गार्जियन का क्या मतलब है, तुमको नहीं समझाएंगे है? तू आज क्या किया है, पढ़ा रहे थे, तू बार बार मोबाइल टिप रहा था नीचे, तुम लोगों को भी समझाएंगे। जब तक लक्ष्य ना, तब तक कोई चीज ना, ये जीवन का सिद्धांत बना लीजिए, नहीं तो बर्बाद होइएगा। खैर आपका जीवन है, बर्बाद होइए, मैं तो गार्जियन हूं आपका, जो मानो समझाऊंगा। आया जी इधर, सेफ 12 by 5 गुना भाग में गलती कर रही, कोशिश करें सब लोग। आंसर मतलब नहीं है, मतलब है कि आपने कोशिश कितना किया। आप दोबारा डायग्राम बनाए, नीचे लाए, उसको ऊपर ले गए, ये मायने रखता है। आंसर तो आना ही है, अभी आप कोशिश तो करें सबसे बढ़िया से, क्योंकि बिल्कुल नया चीज है यार, वॉल्यूम 1 से कोई मतलब नहीं है, नया ब्रांच, नया टॉपिक, नया सब कुछ, सब लोग बना सकते हो। आज के अल्टरनेट में तो सब कुछ नया है, अच्छे से पढ़िए, जवाब दीजिए। स्टॉपर घुसका के यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ पहुंच गया, और यहाँ वाला बोलो ये कितना नीचे, L-X, L-, ये कितना आगे, बोलो ये कितना ऊपर, X,
और ये एल ही रहेगा, इसको एल प्लस एक्स ने ना कर दिया, ये एक्स नीचे तो एक्स आगे और ये एक्स, जितना नीचे उतना दाएं उतना। अब दो पॉइंट ले लो, कोई दो पॉइंट, ए और बी का प्रेशर सेम होगा, बोलो बी पॉइंट पे थ्री रो वाला रिक्विड का प्रेशर और ए पॉइंट पे रो का भी और इस पॉइंट पे इसका भी और इसका भी, हाँ है ना, कर लो बराबर। अब मिलाओ कहां का गलती किया, बोलो ए बराबर बी, बोलो ए पॉइंट प्रेशर किसकी किसकी कारण, दो लिक्विड वाला एक रो और एक, बोलो रो का यहां पे रो एल या रोजी एल, रोजी एल ना, वो दली में रहेगा, ये एक्स नीचे तो ये वाला एक्स ऊपर चढ़ गया, बोलो तो बोल इसका प्रेशर यहां ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, इसलिए पहले कंटेनर वाला करवाए थे, बोलो रोजी एल प्लस इसका बोलो टू रो जी एक्स, जो लिक्विड रो डेंसिटी का है उसका एक पॉइंट प्रेशर होगा रो जी एल, और जो टू रो वाला है बोल इसका यहां पे टू रो जी और एल की जगह ये दोनों का बराबर होगा यहां, है ना, थ्री रो जी एल माइनस। मतलब कितने लोग का डायग्राम सही है, डायग्राम तो सबका सही होना चाहिए, इसमें क्या बहुत बड़ी बात, अरे ये देना नहीं देना कोई दिक्कत, मिलने वाला लिक्विड थोड़े की देना है, धकेलने वाला लिक्विड है, थ्री रो टू रो को धकेलेगा, टू रो को धकेलेगा, हाँ है ना, धकलते धकलते जितना वो नीचे आएगा उतना के। कितने लोग का इक्वेशन सही है, इक्वेशन से आंसर सही है, कितने लोग यहां भी एल प्लस एक्स कर दिए थे, यही गड़बड़ी की भगवा, इधर एक के एक्स नीचे आया है, दो एक्स धकेल दोगे, एक सुपर एक सुपर, तो ये एक्स नीचे टू एक्स सुपर हो जाएगा, सिंपल सोचना है, दोनों जगह एक्स करोगे दिक्कत हो जाएगा, सब लोग मिलाओ। कौन कहां क्यों गलती किया, देखो जान दिक्कत है पूछो, रोजी एल कोई कोई लिखे रोजी एल प्लस एक्स, बोलो एल प्लस एक्स होना है, बाई एक्स नीचे तुम एक्स ऊपर ना, तो ओ में एक्स ऐड कर दोगे, ओ में ऐड कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब वो आया एक्स नीचे तो टू एक्स ऊपर चल जाएगा, कितना आएगा सॉल्व करके, रोजी 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 एल प्लस एक्स थ्री दो माइनस थ्री एक्स टू एक्स, टू एक्स ना तीन दो टू थ्री एल में चल गया टू एल, एक्स कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा फाइव एक्स, थ्री एल में चल गया टू एल, एक्स बराबर टू एल बाई फाइव, टू एल बाई फाइव मतलब वो टू एल बाई फाइव नीचे टू एल बाई फाइव, आप लोग 12 एल बाई फाइव लाए, आंसर आ गया था यहाँ गड़बड़ था, ये कैसे हो गया, नया सैंडविच हो गया, तो चलो कुछ तो किया। कौन कहाँ गड़बड़ी किया पता चला, देखो यही ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा यही चीज है, जब क्वेश्चन दें तो हर संभव ट्राई करो, रिजल्ट पे मत जाया करो कि बनेगा नहीं बनेगा, आप ट्राई करें इससे पहले कैसे बनाए, हर संभव ट्राई करें, फिर तो मैं सलूशन कर ही रहा हूं, फिर देखो कहां गड़बड़ी हुआ। जो लोग यहां एल प्लस एक्स किए उनका क्लियर हुआ कि क्यों नहीं होगा एल प्लस एक्स, नहीं हुआ क्लियर, पूछो पूछो तो, हाँ डेंसिटी भाई ये जितना नीचे उतरा उतना ही नहीं चढ़ेगा, तो कोई एक ना चढ़ाओगे, ये ऊपर चढ़ेगा तो अपने आप ऊपर भाग जाएगा, तो वो तो पहले भी एल में था अभी भी एल में है, बस पोजीशन चेंज हो गया, हल्का था तो ऊपर चढ़ गया, सबसे हल्का कौन है रो वाला, तो ऊपर चढ़ गया, अरे डरपोक आदमी जल्दी भागता है,
डरपोक वाला कौन है? रो वाला, चढ़ गया ऊपर, उसको चढ़ाया कौन? टूरो वाला। और टूरो वाला को चढ़ाया कौन? सीरो वाला। क्लियर? क्या आगे चार लिक्विड में रहेगा तो बना लोगे? कंटेनर का सेप बदल देंगे तो भी बना लोगे? हाँ, बन जाना चाहिए। सेप से मतलब कहाँ है यार? कंटेनर के सेप से, बेस एरिया से मतलब कहाँ है? कोई मतलब नहीं है। आप बस देखिए कि सब में भारी कौन है, तो भारी नीचे आएगा, हल्का ऊपर जाएगा। जितना वो नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट ले लो, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। सेम होना भी नहीं जरूर नहीं होगा सेम, तो पानी चलने लगेगा, लिक्विड चलने लगेगा, जो कि संभव। क्लियर? तो बन जाना चाहिए, सबसे बन जाना चाहिए। नहीं बने शर्म कीजिए, फिर पहले कोशिश कीजिए फिर शर्म कीजिए, यही जीवन का विकास करेगा। क्योंकि शर्म जिसको नहीं आता वो आगे नहीं बढ़ता है। ए, ये क्लियर हुआ ना? कैलमैक्स क्यों नहीं ऐड होगा? अब बोलो, चार निकुट देंगे कर लोगे? पांच छह सेम बदल लेंगे कौन देगा? कोई दिक्कत? श्योर? लिखो बैरोमीटर। चलो ठीक, चलो ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? चलो एक छोटा सा कर ही लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। कर ही लो हो जाए। अरे अभी 10 मिनट है, अभी 10 मिनट है, नहीं बोलेगा बारे में। तुम लोग के बात पर आएंगे तो पता चला कि खत्म नहीं हुआ। लिखो लिखो, छोटा टॉपिक हो जाएगा। लिखो बैरोमीटर। अभी 10 मिनट है यार, 1 बजे एकदम छोड़ देंगे, 10 मिनट पहले मत छोड़वाओ। यह एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। पहले समझ लो, फिर डायग्राम बनाना। डेफिनेशन लिख लिए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लाए थे पिछले क्लास, जल्दी बोलो। 1.013 × 10⁵। वही प्रूफ होगा, वो लाया था कैसे है, कैसे लाया जाता है, उसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। डेफिनेशन डायग्राम बनाना आराम से, डायग्राम में और चेंज आएगा, समझ लो आराम से बनाना। क्या बैरोमीटर? बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। याद करो हम बोले थे कि हम लोग फिजिबल जोन में, जहाँ पे आराम से जिंदगी है और जिंदा है, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर है। हमारे बॉडी पे कितना प्रेशर है? माथा पे कितना प्रेशर है? 1 × 10⁵ पास्कल लगभग, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हम लोग हैबिटल जोन में है, हम लोग हैबिचुएटेड हो चुके इस प्रेशर से, इसलिए कोई फर्क, आराम से जिंदा है। अगर इस धरती पे कोई ऐसा प्राणी आ जाए जो धरती का है ही नहीं, दूसरे ग्रह का है, तो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, नहीं झेल पाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर। इसको महसूस करने के लिए क्या करते हैं? 80-90 किलोमीटर लंबाई पाइप ले लो माथा पे। ऐसे तुमको लगता है हम तो फ्री है? नहीं, क्योंकि एयर छितराया हुआ है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। मान लो अपने माथा के ऊपर 80-90 किलोमीटर एक पाइप ले लो, तो उसमें एयर आएगा, एयर आएगा, आएगा एयर। अरे महसूस करो कि ले लिए, थोड़े बोले हैं कि 80-90 जाकर खरीदो। वही चीज को ना छोटे तरीके से समझाएंगे,
महसूस करो कि तुम्हारे माता के ऊपर 80 किलोमीटर तक लंबा पाइप है, उसमें एयर भरेगा तो माता में कुछ एग्जिट होगा, वही एटमॉस्फेयर की प्रेशर है। तो उसको निकालने के लिए क्या बनाया गया, बैरोमीटर कैसे बनाया गया। मान लो कंटेनर लिया गया, कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, अभी हम पानी लेके चलते हैं, फिर मरकरी भी भर सकते हैं। और एक ऐसा ट्यूब लिया गया, ऐसा ट्यूब के पीछे भी रीजन है कि ऐसा ट्यूब क्यों लिया गया, पढ़ाएंगे आगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा ट्यूब लिया जाता है। आगे पढ़ोगे अंतिम टॉपिक सरफेस टेंशन। अभी मानो कि ऐसा ट्यूब लिया गया, क्या क्या दिमाग में रखेंगे, कंटेनर ले लिए और एक ट्यूब ले लिए, ट्यूब का शेप ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है सरफेस टेंशन के कारण, जो कि आगे पढ़ोगे। अब बताओ, इस ट्यूब में एयर है, हम चाहते एयर निकल जाए, इस ट्यूब को पानी के अंदर ऐसे टेढ़ा ले जाओ तो बुलबुला फेंकेगा, बुलबुला फेंकने का मतलब एयर निकल रहा है। मग ले जाते हो बाल्टी के अंदर, बुलबुला मारता है मतलब मग में से एयर निकल रहा है, क्लियर। ऐसे ले जाएंगे तो बुलबुला निकलता है कि नहीं निकलता है, तुम कभी बाल्टी में गिलास को ले जाओ अंदर तो बुलबुला निकलने का मतलब एयर निकल रहा है, बुलबुला निकलने का मतलब सारा बुलबुला निकाल दिए ऐसे, अब ऊपर ले गए, अब बताओ इसके अंदर का तो एयर निकल गया, तो ऐसे टेढ़ा क्यों ले जाएंगे, ताकि आसानी से बुलबुला निकल जाए। अब फिर ऊपर ऐसे ले जाओ, अब बताओ यहां वैक्यूम है कि नहीं है, सारा एयर तो बुलबुला से निकाल दिए, तो यहां वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्लियर। बताओ ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह एयर का प्रेशर है, बोलो यहां पे एयर का प्रेशर पी नॉट, यहां भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितना भी पॉइंट होगा सब पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट क्या है, एयर का प्रेशर। अरे एयर है ना यहाँ, एयर लेके चल रहे हैं, और मान लो जमीन में एकदम कॉन्टेक्ट है, एकदम सटा हुआ, नीचे कोई एयर नहीं है, बोलो यहाँ पे एयर का प्रेशर, यहां भी हर जगह क्यों सेम है, क्योंकि लेवल सेम है। आप सोचो ट्रेन में आपको जगह मिलता है तो आप बैठते हो आराम से, ऐसे कि छितर के बैठते हो, छितर आ जाते हो, क्यों, क्योंकि जगह है, बैठ गया है कि नहीं। बताओ यहां वाला लिक्विड तो एयर का प्रेशर कितना है, पीनो, ऊपर तो एयर है ही नहीं, तो यहां वाला लिक्विड ऊपर चढ़ गया, क्योंकि ऊपर से दबाने वाला कोई नहीं है, ऊपर से दबाने वाला सेफ, इसलिए ऐसा रखा गया है कि ऊपर जाएगा भी तो यहां टच नहीं करेगा, क्योंकि वहां टच करेगा तो नॉर्मल दबाने लगेगा, तो यह वाला लिक्विड ऊपर चढ़ गया, बोलो क्यों चढ़ गया, क्योंकि ऊपर एयर, ये तो एकदम खुश हो गया, ए ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये दबाने वाला है ना, लो कूद गया ऊपर, क्लियर। मान लो एच हाइट तक चढ़ गया, वो एच निकाल लेते हैं, मान लो स्केल यहां लगा दिए, यहां स्केल लगा दिया जाता है, स्केल से एच निकाल सकते हैं कितना हाइट तक गया, क्लियर। बोलो अब इस लिक्विड का प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, रो जी एच, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी है। बोलो इसकी डेंसिटी रो है तो प्रेशर यहां पे क्या होगा, रो जी एच। अब पहले से कितना प्रेशर है, वही पी नॉट रो जी एच के बराबर हो जाएगा, पहले से पी नॉट है, ये जो लिक्विड ऊपर चढ़ गया, क्यों चढ़ गया, क्योंकि उसमें एयर, कोई दबाने वाला, चढ़ गया ऊपर, तो ये एच हाइट तक चढ़ गया, तो बोलो इस लिक्विड के कारण इस बॉटम पे प्रेशर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा इस लिक्विड के कारण, और यहां पे पहले से कितना है, तो बोलो रो जी एच किसके बराबर, पी नॉट के बराबर, रो जी एच किसके बराबर, क्लियर। अब इस वैल्यू से हम पता भी कर सकते हैं कि पानी कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, आराम से पता कर सकते हैं। बोलो कैसे कैसे किए, जल्दी बोलो कैसे कैसे किए, पहले कंटेनर में पानी लिए, ठीक, ट्यूब लिए, ट्यूब ऐसा क्यों है, रीजन उसके पीछे, वो आगे जानेंगे। अंदर में पहले कैसे ले गए, हिचकोला मारे, हिचकोला मारे तो क्या हुआ, हम चाहते थे कि यह निकल जाए, बुलबुला से पता चल गया यह निकल गया, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब ऐसे टेढ़ा ले गए और आराम से ऊपर ले गए, हाँ या ना, बोलो ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम है,
हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ प्रेशर। बोले यहां तो वैक्यूम है तो यहां का पानी ऊपर चढ़ गया भाई, ऊपर उसमें एयर रहता तब ना चढ़ने नहीं देता, यहां तो कुछ है ही नहीं, कोई दबाने वाला है नहीं, तो पानी चढ़ गया ऊपर, कितना अंतर चढ़ा मान लो। तो बोलो कोई भी लिक्विड अगर एच हेड तक हो तो प्रेशर क्या होता है बॉटम पे, कोई भी लिक्विड कहीं भी एच हेड हो तो प्रेशर क्या होता है बॉटम पे, बोलो ये लिक्विड जो ऊपर चढ़ गया इसका इस पॉइंट पे प्रेशर हो जी एच, इस पॉइंट में पहले से कितना है पी नॉट बराबर वही पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, और रो जी एच की मदद से हम निकाल सकते हैं पी नॉट। क्लियर? तुम इसमें मरकरी रखो, मरकरी का डेंसिटी रखो, तुम जी का वैल्यू रखो, एच का वैल्यू रखो, एच का वैल्यू 76 सेंटीमीटर होता है तो तुम्हारा एक एटीएम आ जाएगा जो कि 1.013 इंटू 10 के बराबर 5 के बराबर होगा। अगर हम इसमें मरकरी रखें और पानी 76 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा, मरकरी रखेंगे तो 76 ऊपर जाएगा, वो कैलकुलेटेड होता है, तो उससे तुम्हारा जो उस दिन वैल्यू लिखवाया था परसों पहले क्लास में निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू इस प्रकार हो कि कितना के बराबर हो तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप सोच लो, मान लो तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम है तो एच निकाल सकता है कि कितना हाइट तक जाएगा, किसी से किसी को निकाल सकते हैं ना। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है, अच्छा बताओ यहां मरकरी पानी कोई भी लिक्विड भर सकते हैं कि उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कौन लिक्विड लेंगे पहले बोलो, ये क्लियर है? बोलो ना ये क्लियर है? कौन लिक्विड लेंगे, रीजन होगा या कुछ भी ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं उसमें, क्या अच्छा लगेगा पानी की मरकरी की करुआ तेल, करुए तेल सोचवे किया जीवन में, उससे यादें तो निकलवे नहीं किया, तो उससे ज्यादा क्या सोचोगे, करुआ तेल बोल दिया था, करुआ तेल चोट मार दिया, अरे बाहर निकलो उसे, पहले बोलो ये फॉर्मूला बराबर कैसे किया, क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है कि उस कंटेनर में पानी रखना अच्छा होगा कि मरकरी रखना अच्छा होगा, आइए चेक करते हैं। बस बस हो गए, ए बोलो पानी का डेंसिटी बोलो 1000 केजी पर मीटर क्यों, जी का वैल्यू एच रहने दो, एच निकालना मुझे, बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10^5, अरे 1 × 10^5, अरे इससे ये निकाल सकते हैं, अब मान लो इसका वैल्यू मुझे मालूम है भाई, ये तीनों का वैल्यू से ये निकाल सकते हैं, ये उतना ही आया जो 1 atm प्रेशर होता है या ना, या ये मालूम है मान लो तो उससे एच निकाल सकते हैं कि पानी कितना ऊपर जाएगा या मरकरी कितना ऊपर जाएगा, हाँ या ना। अब सोच बोलो पानी की डेंसिटी जी, एच निकाल लेते हैं और बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय 1.013 × 10^5, तो 10^5 लिखो ना यार, 1.01 तो एकदम बहुत छोटा है ना, बोलो ये 3 × 0 = 4, 5 से 4 गया कितना बचा, बोलो पानी रखेंगे तो हाइट कितना ऊपर जाएगा, तो पार कितना लंबा लेना पड़ेगा 10 से ज्यादा, 10 मीटर समझते हो 3 मंजिला मकान, तो पानी से प्रैक्टिकल करेंगे ना माथे खराब हो जाएगा, पाइपें लाने में ढोने में ही परेशानी हो जाएगा, अब मान लो भी कांच का है तो कखनो टूट जाएगा, इसलिए पानी से प्रैक्टिकल नहीं होगा, समझ रहे ना 10 मीटर का मतलब, आ 10 मीटर तो चढ़ेगा, आ 10 मीटर से ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि तू एग्जैक्ट 10 मीटर रखोगे तो पानी तो यहाँ सड़ जाएगा, सड़ेगा तो नॉर्मल दबाने लगेगा तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, 10 मीटर से ज्यादा, 10 मीटर मतलब 3 मंजिला मकान, समझ रहे हो, तो बोलो क्या रखेंगे, पानी रखेंगे, बोलो पानी रखने में काम होगा, होगा लेकिन बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस है, अब मरकरी रख के देखो, अब चेक करो मरकरी क्यों, चेक करो कौन से था, दूसरा सब्जेक्ट है वो भी रख दिए, चेक करो बोलो रे मरकरी का डेंसिटी ग्राम में 13.6 तो केजी में 13600, केजी में चेंज कर लो उसको,
अगले दिन एक एक लाइन याद करके आना, मैं इलास्टिसिटी के पहले लाइन से यहाँ तक पूछूंगा। परसों मत बोलना कि अचानक पूछने लगा, एक एक लाइन पूछूंगा इलास्टिसिटी से लेके यहाँ तक। पढ़ के आइएगा, बोलो रो का वैल्यू मरकरी के लिए, जी का वैल्यू एच, और पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर लगभग 10.5। यहां 2 0 1 3 0 3 0 कट जाएगा ना इसका, तो एच कितना, एच कितना इधर 2 0 मतलब 100 बाय 2 1 3 5 में 3 गया 2 10 के बार 2 मतलब इधर कितना 100 बाय 136 डिवाइड करो 0.76 मीटर आएगा। तो 0.76 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर याद करो, 8वां 9वां 10वां पढ़ता होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। देखो भाई 100 बटा 136 को डिवाइड करो और उसको सेंटीमीटर में चेंज करो 76 आएगा। अब बोलो कौन पानी रखेंगे तो कितना पाइप लेना पड़ेगा, और मरकरी लेंगे तो कौन अच्छा है, कौन अच्छा है 76 सेंटीमीटर मरकरी अच्छा है ना, यानी मरकरी हम रखेंगे तो 76 सेंटीमीटर का ही पाइप चाहिए, 76 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, 76 क्या हो गया बहुत कम, पानी रखेंगे तो बा लिखो। ये क्या किया बात समझ में आया, पक्का श्योर, पानी में कितना और मरकरी में कितना हट जाएगा, कौन अच्छा होगा, इसको लिख लो अगले दिन यहीं से आगे बढ़ेंगे। भाई दोनों में अंतर समझ में आया ना, मरकरी अच्छा होगा हमारे लिए कि पानी अच्छा होगा, मरकरी क्योंकि 76 सेंटीमीटर कम है। लिखने दो हो गया, आगे नहीं पढ़ाएंगे, लिखने दो एक ही साथ निकलना। क्लियर है कि एक बार और एक्सप्लेन करें इसको, अगले दिन पूरा रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हो गया समाप्त। अब डीपीपी आप बना सकते हैं, इसमें छाड़ के डीपीपी जाएगा और इलास्टिसिटी का भी रिवीजन कर लोगे। जो लोग नहीं पढ़ोगे पहले पीडीएफ से लिख लो, इलास्टिसिटी वाला लिख के हमसे मिलना, हो गया, चले मिलता हूं, नए एनर्जी में।